हेलो एंड वेलकम यू ऑल बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मेरा पार्ट 3 है, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड दो पार्ट्स बनाए हुए हैं, अपने दो वीडियो और बनाए हुए हैं जिसको मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में डिवाइड किया था। पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे, फंडामेंटल्स दिए थे, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और पार्ट सेकंड में मैंने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था, ठीक है ना। पार्ट थर्ड में मैं एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व किया रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लीजिए, तो आपको ये पार्ट जो होगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। समझ तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा और अच्छे से अगर आपको समझना है तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पहले तो ऐसे जनरली समझ लीजिए, जल्दी से हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसका जनरल फॉर्म मैंने बताया था अपने पार्ट फर्स्ट में भी बताया था, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्म होता है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इसी तरह रिप्रेजेंट होता है, जिसमें देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, जो कि इसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जनरल फॉर्म, जहां पे a b c बच्चों जो होता है वो क्या होता है, a b c, ये क्या होता है, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है ना। ये बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग का मतलब ए बी सी क्या है, हमारा रियल नंबर है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ए बी सी आपका रियल नंबर है, मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और जहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। ये सब इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने पार्ट फर्स्ट में बताया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, देखिए डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। आपको इसको सॉल्व करना, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चे दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। पहला एक तरीका जो यहाँ पे कह रहा है फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका जो मैंने 4.2 में भी बताया था, और आप 4.1 में बताया था, सॉरी 4.1 में बताया था, जिस और 4.3 में आपसे पूछेगा, जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम 4.3 में बताऊंगा, ठीक है ना, और 4.1 में मैंने बताया ही था आपको, ठीक है ना। यहां पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं यूज करना, याद रखिएगा। आप उस जो क्वेश्चन बोलेगा, जब भी आपसे कहा जाएगा फाइंड द रूट्स, तो आप जो क्वेश्चन दिया रहेगा फैक्टराइजेशन कहेगा तो आप फैक्टराइजेशन लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं कहेगा तो आप फ्री हैंड हो, फिर आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमसे स्पेशली कहा जा रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन, तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगाएंगे, ठीक है। अब लगाते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है बिल्कुल भी, आप समझ जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करना आपको, आप देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना। ऐसे जनरली अगर मैं आपको इसके ऊपर लिख के दिखा देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है आपका, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0, रिलेट कर सकते हैं आप यहाँ पे। ए क्या है मेरा, एक्स के बगल, एक्स स्क्वायर के बगल वाला क्या होता है, ए यानी कोफिशेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए कहलाता है, एक्स का कोफिशेंट बी कहलाता है, और सी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ ए 1 ए है, बी क्या है -3 और सी क्या है -10 है, ठीक है ना। आपको करना क्या, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा फैक्टराइजेशन से, तो आप क्या करोगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, ए यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, और कुछ इस तरह ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन का मतलब प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में ए और सी को, सॉरी ए और सी को प्लस या माइनस में कुछ इस तरह ब्रेक डाउन, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, और इसको प्लस या माइनस करके, याद रखिएगा प्लस या माइनस करके, मल्टीप्लाई करके दिखा लिखते तो है मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसको प्लस माइनस में ही करेंगे। दो नंबर का हम प्लस या माइनस करके क्या लाना रहेगा हमें, इन दोनों को प्लस या माइनस करिए आपको क्या लाना रहेगा, बी लाना रहेगा, यानी कि बीच वाला टर्म लाना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वही करना, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको क्या हो जाएगा, आपका 50% क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए को मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पे एक्स ए क्या है, यहाँ पे 1 है, सी क्या है आपका, सी है आपका 10, ठीक है। मैंने क्या कहा, आप इन दोनों को कुछ इस तरह प्लस या माइनस करो कि आपका क्या आ जाए, बी आ जाए। आप 10 में 1 ऐड करोगे तो क्या 3 आएगा, 3 है यहाँ पे बी, 3 आएगा, नहीं। 10 में 1 ऐड करोगे 11 आएगा, 10 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा, नहीं 9 आएगा, तो नहीं आया। अब हम क्या करें, यहाँ पे आपने मैंने बताया प्लस या माइनस करने पे, अगर प्लस या माइनस करने पे डायरेक्ट नहीं आता तो आप फैक्टराइज भी कर सकते हो। आप 10 को देखो फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे, 2 5 जा 10, 1 का तो कोई मतलब नहीं, 10 1 जा 10, तो वैसे भी 1 का सब सारे नंबर के साथ रहता है, यहाँ पे 1 रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 5 और 2 आ गया। अब आप देखो, आप 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। देखा मैंने क्या कहा, या तो आप प्लस करो या तो माइनस, ठीक है, लाना आपको बीच वाला है। तो आप में अब 2 में से 5 तो माइनस करेंगे नहीं, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ गया। अगर आपने इतना पता कर लिया तो आपको 50% क्या हो गया, काम हो गया। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, अब आपको खाली मेंशन करना है। पहले तो मैं बता दूं, जैसे ही आपको पता चल जाएगा आप सब कुछ वैसे लिखना, एक्स स्क्वायर लिख देना, माइनस है तो माइनस लगा देना, -10 है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, -10 इक्वल्स टू 0। खाली इस बीच वाले की जगह आप जो नंबर रहेगा इसकी जगह एक्स है, एक्स लगा दिएगा, ये जो बी बी है इसकी जगह आप क्या लगा दीजिएगा, ब्रैकेट,
ब्रैकेट, ये सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है ना। सारे नंबर्स को वैसे लिख दीजिएगा, जो साइन है वैसे साइन उतार दीजिएगा, एक्स वेरिएबल वैसे लिख दीजिएगा, बस बीच वाले नंबर की जगह जो बी है आप उसकी जगह क्या लगा दो ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में लिखोगे क्या जो नंबर थ्री आप जैसे बनाए हुए, यानी बीच वाला नंबर कैसे बनाया था हमने, फाइव माइनस टू कर दिया, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो कैसे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मोनोमियल है बायनोमियल है, मोनोमियल अंदर जाता है तो बायनोमियल के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है, यानी एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, टू से भी मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस का माइनस फाइव एक्स से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, क्या हो जाएगा फाइव एक्स, माइनस माइनस का प्लस टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो, आ रहा होगा समझ में। अब बच्चों अगर आपने इतना कर लिया तो आपको 70% हो गया। अब आपको करना क्या, जब आपको इक्वल इक्वेशन आपने सॉल्व किया और चार टर्म मिल जाए तो आप क्या करना, दो दो टर्म के नीचे लाइन खींच लेना, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। क्यों, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्यों, अब आप जिसके दो 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 पेयर बनाना, दो दो का पेयर बनाना और लाइन खींच देना, ठीक है ना, इस पेयर में से कॉमन लेना है, कॉमन हमेशा याद रखिएगा, कॉमन का मतलब होता है ऐसा नंबर चूज करना है इन दोनों में, वेरिएबल और नंबर दोनों में, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स में कौन सा ऐसा वेरिएबल होगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा, स्मॉल वाला, एक्स की पावर वन है एक्स की पावर टू, स्मॉल पावर वाला हमेशा क्या होगा कॉमन, एक्स अब यहाँ पे वन है फाइव है, वन और फाइव में तो वन ही कॉमन होता है, वन लिखते नहीं हम लोग, ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे एक्स से इन दोनों को डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर दो बार है, एक्स स्क्वायर एक बार है, दो ए क्या करेगा, दो में से एक को काट देगा, क्या बचेगा एक बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं इससे भी इसको भी, ठीक है, क्या बचेगा फाइव, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो साइन है प्लस है तो प्लस लिखिएगा, माइनस होता तो माइनस लिखते। अब यहाँ देखिए टू है टेन है, टू और टेन में कॉमन क्या होगा, टू, मैंने बताया छोटा वाला, या ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों में जो छोटा हो वही हमेशा कॉमन हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो नंबर दोनों डिजिट को डिवाइड करे, टू। अब वेरिएबल देखिए यहाँ एक्स है लेकिन यहाँ तो एक्स नहीं है ना, तो कॉमन तो हम इसमें से कुछ नहीं ले, वेरिएबल में कोई कॉमन नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स में कॉमन होगा, ठीक है ना, तो टू कॉमन हो गया, आप क्या करेंगे इसी से डिवाइड करेंगे, टू से टू डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एक्स बचा, प्लस माइनस का माइनस, टू से टेन डिवाइड होगा तो टू फाइव जा टेन इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कैसे, अगर आपका दोनों ब्रैकेट सेम आता है, अगर आपका दोनों ब्रैकेट सेम आता है तो यानी आपने जो प्रोसेस यहाँ पे किया हुआ है बिल्कुल भी सही है, हमारा ब्रैकेट सेम आ रहा है, ब्रैकेट सेम आ रहा था, जो ब्रैकेट सेम आ रहा है उसको एक बार लिखिए और जो नंबर बच रहे हैं उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख दीजिए, यानी एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म लगता है क्या, अगर आप सोचिए ये मेरा ए है, ये पूरा मेरा ए है और ये पूरा मेरा बी है, तो मैथमेटिकल टर्म होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल्स टू जीरो तभी होते हैं कि या तो ए जीरो हो या बी जीरो, यानी ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो, दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं हो सकते, इसलिए बीच में हम क्या लगाते हैं और लगाते हैं, यहाँ पे हम वही करेंगे, ये मेरा ए है अगर हम कंसीडर कर लें और ये मेरा क्या है बी है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है बच्चों हो गया। अब आप क्या करिए, अब एक्स की वैल्यू निकालनी, यानी एक्स को अकेला कर देना, कैसे, माइनस फाइव है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस फाइव, एक्स इक्वल्स टू फाइव और ये आ गई आपकी वैल्यू, रूट्स आ गए और एक्स उधर जाएगा माइनस टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये आ गया आपका सेकंड वैल्यू, ईजी सॉल्व हो गया, आपके दो रूट्स आ गए, दो जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं, देखिए यहाँ डिग्री टू है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री टू होती है तो इसके दो रूट्स आ गए, सिंपल है। अब जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा फैक्टराइजेशन की मदद से बच्चों आप इसी तरह सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन फर्स्ट में पांच पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैंने फर्स्ट सॉल्व किया हुआ है, मैं यहाँ थर्ड और लिखा हुआ हूँ, ठीक है, थर्ड भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी जो सेकंड फोर्थ और फिफ्थ बच रहा है उसको एज अ होमवर्क आप सॉल्व करोगे, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, कमेंट करके पूछोगे, ठीक है। अभी आइए थर्ड देखते हैं, इसको मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये रूट लगा हुआ है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं रूट को लेकर, इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, हमें प्रोसेस पूरा वही अपनाना है, ये मेरा ए है ये मेरा सी है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड में, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ रूट टू इंटू फाइव रूट टू, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना और कुछ इस तरह प्लस माइनस करना है कि क्या आ जाए सेवन। अब आप सोच रहे कैसे करेंगे, यहाँ देखिए फाइव रूट टू है, रूट टू के बगल कुछ नहीं तो क्या है वन तो है ही है ना, तो फाइव रूट टू और वन, फाइव में वन ऐड करेंगे सिक्स आएगा, माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो क्या करें। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमने बताया ना मल्टीप्लाई करना तो ऑप्शन होता है ना, रूट टू रूट टू, जब भी एक ही रूट टू दो बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, ये वन है, वन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, आप रूट टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है, रूट टू क्या हो, रूट एक ही रूट दो, रूट में जो नंबर सेम होते हैं, जब डिजिट सेम होते हैं सेम रूट में, ठीक है ना, और वो दो बार आए तो वो रूट क्या हो जाते हैं हट जाते हैं, और फाइव बन जा फाइव, क्या बचा टू इंटू फाइव हो गया, टू इंटू फाइव मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया।
आ गया, और 5 में 2 ऐड करोगे या 2 में 5 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, यानी आपका काम तो हो गया। ठीक है, 2 और 5 को ऐड करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, 7 मिल गया। फिर से हम क्या करेंगे, सब कुछ वही लिखेंगे, अब पूरा प्रोसेस यही लगाएंगे। ठीक है ना, हमें 50% मेरा काम हो गया, हम सब कुछ वही लिख देंगे, खाली बीच वाले नंबर की जगह क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। बच्चों देखिए मैंने सब वही सेम टू सेम जैसी साइन थी मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे उठा के सिर्फ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, यही 2 + 5। ठीक है, कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, √2x2, फिर वही मोनोमियल बायनोमियल अंदर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस है, प्लस लोगों की अंदर जाने पे साइन नहीं बदलता है, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 2x हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, 5√2 = 0। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, लाइन खींचना है और दोनों में से क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है, जो मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना, कॉमन कैसे लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो ट्रिक क्या आती है, ट्रिक यही है कि अगर एक नंबर रूट में और दूसरा नंबर रूट में ना रहे, ठीक है ना, तो आप हमेशा रूट वाले को कॉमन लेना, ये छोटी सी ट्रिक है। ठीक है ना, कभी गलत नहीं होगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो कॉमन क्या होगा, एक्स। अब क्या करोगे, कॉमन का मतलब क्या होता था कि इसी नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, √2 से √2 डिवाइड हो गया, रूट कैंसिल आउट, एक एक्स, दो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, दो पावर है, एक है, तो एक क्या करेगा, एक को कट कर देगा, क्या बचेगा, एक्स। अब यहाँ पे बात आती है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, अब रूट यहाँ पे 2 है, 2 किससे डिवाइड होगा, √2 से डिवाइड होगा। अब बात आती है, यही आता है 9th, ठीक है, रेशनलाइजेशन जिसे हम लोग कहते थे, क्या कहते थे, रेशनलाइजेशन, 2 को √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो √2 डिनोमिनेटर में आ गया। जब भी कोई रूट नंबर, रूट का रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो आप क्या कर लोगे, रेशनलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2√2 और नीचे के बजाय √2√2, वही चीज जो मैंने बताया था, √√ एक ही बार दो नंबर, एक ही रूट में दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ जाता है, रूट हट जाता है, 2 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा आपका, √2 बचा, क्या बचा आपका, रूट, यानी कि √2 जब 2 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2, और x से x कैंसिल आउट हो गया। देखिए सिंपल है, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा फिर। ठीक है, 5 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मिनट, सॉरी मैंने यहां पे रूट नहीं लिखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 कॉमन होगा, इन दोनों में 5 कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x, और यहाँ से 5 कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 0। अब देखिए आपका ब्रैकेट क्या आ गया, सेम आ गया ना, यानी हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एक ब्रैकेट में से एक बार आया सेम है उसको एक बार लिखेंगे, और जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी √2x + √2 = 0। ठीक है, ठीक। अब आपको क्या करना, एक बार इसको जीरो करना और एक बार इसको जीरो करना, यानी √x + √2 = 0 और √2x + यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, √2x + 5 है। ठीक है बच्चों, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 5। ठीक, तो यहाँ पे रूट, भाई देखिए जो ब्रैकेट में था उसको एक बार लिखा, जो बच रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, √2x + 5। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, √2 + 5 = 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x = −√2, जो कि x की एक रूट, एक वैल्यू आ गई, और दूसरा क्या हो जाएगा, x यहाँ अकेला होगा, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 आ गया। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, √2 आ गया, और ये x की क्या हो गई, −5/√2, या आपकी x की सेकेंड वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये आपके दो वैल्यू आ गए, इजी है, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा। ठीक है, आपकी ये दो वैल्यू आ गए, अगर आंसर मैच नहीं होगा तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, फिर से वही √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सो हॉल ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना, इसी तरीके से अपने कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको यही करना है, उसमें दिया गया सॉल्व द प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप पढ़ोगे तो आपको सेम यही चीज करना है। ठीक है ना, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व कर देना है, मैंने अभी बता चुका हूं, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको सेकंड इक्वेशन बताऊं, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे रहा हूं, आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, ये आपका एज अ होमवर्क है, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेंगे, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड में, इसको छोड़ दे रहा हूं, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, सॉरी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे। ठीक है ना, ठीक,
यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा और आप सॉल्व करोगे यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछोगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27, फिर से वही। अब इसको ऐसे समझिए कि दो लोग हैं, सपोज कीजिए दो लोग हैं ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दो लोग हैं, इन दोनों ने पैसा मिलाया, कंट्रीब्यूट किया, दोनों के पास कुछ ना कुछ पैसे मिलाए और इन्होंने 100 रुपये कंट्रीब्यूट कर लिया। अगर ए ने 40 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है तो बी कितना करेगा, अगर ए 100, दो लोग मिला के 100 रुपीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना, ए अगर 40 दे रहा है तो बी कितना देगा, 100 में से 40 माइनस कर दिया यानी 60 देगा। यानी अगर हमें दो लोगों का सम पता हो और उसमें से एक का पता चल जाए तो दूसरे वाले का कैसे निकालेंगे, टोटल में से एक का माइनस कर देंगे, यानी 100 में से 40 माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 60। यहां पे हम वही करेंगे, वो कह रहा है फाइंड द टू नंबर हुज सम इज इतना, दो नंबर बताओ जिसका जोड़, जिसका सम जो होगा, ये देखिए दो नंबर, मान लीजिए दो नंबर है, लेट द टू नंबर, लेट द टू नंबर, सपोज कि जो दो टू नंबर है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, ए एंड बी, जो ए और बी दो नंबर है, बी क्या होगा, एक को अगर x मानते हैं, सपोज कीजिए दो नंबर में से एक को x मान लिया मैंने, अगर इसको मैंने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस x, यहाँ पे 100 है नहीं, हूज सम इज, जिसका सम क्या दिया गया है, यहाँ पे आप सोचिए दो नंबर हैं और दोनों का सम क्या दिया गया है, 27, अगर एक को आप x मान रहे हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, यही प्रोसेस पूरा, 27 माइनस x, यानी दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, 27 माइनस x, टोटल में से जो एक का था उसको मैंने माइनस कर दिया, इजी है। अब वो क्या कर रहा है, आगे पढ़िए, एंड द प्रोडक्ट इज, इन दोनों यानी ए और बी का जो ये आया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आप यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग प्रॉब्लम इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स इन टू 27, क्योंकि दो टर्म है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 182, ईजी है। आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इन टू, एक्स अंदर जाएगा, ठीक है, सॉरी मोनोमियल है, बायनोमियल फिर से वही अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 27 x माइनस है, माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, ठीक है। कभी भी याद रखिए एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, 0, और यहाँ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है उधर गया प्लस, 27x को भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 27x, और यहाँ पे 182 ऑलरेडी था, ठीक है। अब ये 0 इक्वल टू किस साइड हो, इधर हो, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और करके आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप यूजिंग फैक्टराइजेशन क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 है, 182 है, आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है ना, इसका जब फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको आप देखो 182 का फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, 182 का फैक्टराइजेशन करोगे कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 1 2, ठीक है, फिर किससे कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है, 7 1 7 और 2 कैरी किया 21, 7 3 21, 13, ठीक है, आ गया फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 × 7 × 13। अब देखिए आप 2 7 14, 14 × 13, 14 में 14 और 13 को ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा, इजी हो गया, 14 और 13 को ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 27, और आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, आपको फैक्टराइजेशन की मदद से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये आप कर लोगे, ठीक है। आगे मैं करता हूँ, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनाता हूँ, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, फिर अब देखिए कॉन्सिक्यूटिव, यहाँ पे वर्ड्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है बच्चों, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार का मतलब जैसे एक अगर 10 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाए, 11, 12, 13, ठीक है, अगर एक 12 है तो दूसरा क्या होगा, 13, यानी लगातार नंबर को, एक के बाद एक के नंबर को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, कितने कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोल रहा है वो, 2, हमें दोनों में से एक भी नहीं पता तो हम मान लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे कैसे, लेट द टू, 4.1 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस 1, अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, प्लस 1, ठीक है, 2 है तो प्लस 1, 3 होता तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, 4 होता तो x प्लस x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ठीक है ना, प्लस 1 ऐड करते जाते तो हमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ATP, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम का मतलब प्लस हुज स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब इक्वल टू 365, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक, यहाँ पे हम यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2a क्या है x और b है 1, 1 तो रहता है, ठीक है, लिख दिया, कितना हो गया 365, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2 वन जा 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, 2 वन जा 2 इक्वल टू कितना आ गया 365। तो क्या बचा यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 था, मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, 365 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 0, कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 360, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस का माइनस, साइन माइनस का रहेगा, इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। अब आप देखिए तो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया, लेकिन आप देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कौन सा ऐसा नंबर जो तीनों को कट कर देगा, 2, 2 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो ताकि आपको फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। 2 से अगर एक नंबर हो जो सारे टर्म को कट करे तो आप उसी नंबर से लेफ्ट और राइट सारे को डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, और 2 से इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, कितना आ गया आपका, आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, एंड विच यू हैव टू सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, यू विल गेट 2 वैल्यू ऑफ x, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा फैक्टराइजेशन की मदद से, आप इजी वे में हमने पीछे किया हुआ है, आप उसी तरीके से क्या करोगे इसको सॉल्व कर लोगे इजी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना के उसको जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, पहले तो आपको राइट ट्रायंगल कह रहा है तो राइट ट्रायंगल ड्रॉ करो, राइट ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल बच्चों, ठीक है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, मान लीजिए मैंने बी को क्या ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, एक एंगल 90 का, उसे क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस, स्टैंडिंग लाइन को आप परपेंडिकुलर मान लो, और ठीक है नीचे वाली लाइन को क्या मान लोगे, बेस मान लोगे, ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बेस हो गई और वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, कह रहा है जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का इज 7 लेस, वो 7 कम है किससे, बेस पे, यानी एल्टीट्यूड एक्चुअली डिपेंड किस पे हो गया, बेस पे होगा ना भाई, एल्टीट्यूड कह रहा है मैं तुम्हारा, तुम जितनी वैल्यू होगी तुम्हारी, अगर तुम 10 होगे तो मेरी वैल्यू क्या होगी, अपने में से 7 घटा लो, यही तो कह रहा है एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड एक तरीके से किस पे डिपेंड है, बेस पे डिपेंड है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट द बेस, सपोज कीजिए हमने बेस मान लिया, कितना मान लिया x मीटर मान लिया, तो क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड, क्या हो जाएगा बच्चों, एल्टीट्यूड हो जाएगा कितना, कह रहा है एल्टीट्यूड, कह रहा है आई एम द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का वो क्या है 7 लेस, 7 लेस किससे, बेस से, देन इट्स बेस हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ द हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस क्या है 13 है, यानी हाइपोटेनस आपको क्या दिया जा रहा है 13 दिया जा रहा है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और बेस तो आपको दिया गया है बी, ठीक है, बी का बेस का मतलब बी, बी है एच है पी है, ठीक है, आपको तीनों टर्म मिल गए। अब आप क्या करोगे, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ईजी है, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर क्या था मेरा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस आपका x है, ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से साइड में लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होता है तो क्या लगा देते हैं माइनस 2ab, ठीक है, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे वही लगाएंगे, ठीक है, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2ab, 2 इंटू ए है x और b है 7 प्लस एक्स का स्क्वायर, कितना आ गया 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये दोनों देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 27 जा 14x प्लस 49, ठीक है, फर्दर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस
फोर्टीन एक्स, ठीक है, और ये 169 इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, 49 में से 169 इधर, 49 है, 169 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा क्या, आपको जो इक्वेशन मिलेगा 149 में से 169 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर हमारा था, ठीक है बच्चों, फिर क्या था आपका 2x स्क्वायर था, उसके बाद आपका है माइनस 14x, माइनस 14x, और उसके बाद आपका 49 में से 49 में से आपका माइनस होगा 169 तो कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 120 और साइन रहेगी माइनस की 120। फिर से देखिए ऐसा कोई नंबर है जो सिंपलीफाई कर दें, हाँ सिंपलीफाई कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइज कीजिए और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी आपको 4.2 में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना के जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और ठीक है, थैंक यू।